हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है क्विक सपोर्ट। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सब जानते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोज कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए कर रहे हैं। जिस तरह मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हम आज के समय में एक काम भी नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मोबाइल और कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जो उनके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि हम इंसान के शरीर में बहुत से अंग होते हैं जो हमें सारे काम करने के लिए लायक बनाते हैं। भले ही कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर का मुख्य चीज जैसे आत्मा निकाल दी जाए, तो शरीर में सारे अंग होने के बावजूद भी वो किसी काम के नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही हाल होगा हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के साथ भी। इनके अंदर भी बहुत से मशीन के पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर तैयार करने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, तो वो मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट या पीसी का। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े सारी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे छोटे से रूप में OS भी कहा जाता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। और इसके लिए यूजर को कंप्यूटर की भाषा समझने की जरूरत भी नहीं होती है। सभी कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए और दूसरी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को रन करने के लिए OS की आवश्यकता होती है। क्रोम, MS Word, गेम्स, फोटोशॉप इत्यादि जैसे एप्लीकेशंस को एक माध्यम या प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसमें वो रन कर सके और अपने टास्क को पूरा कर सके, और ये प्लेटफॉर्म उन्हें OS प्रदान करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स का समूह होता है, जिसे एक साथ जोड़कर सिस्टम के स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। यही प्रोग्राम का समूह है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे हार्डवेयर और उनके कार्य को मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा ही ये हार्डवेयर अपना काम पूरा कर पाते हैं। OS कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनका काम एक ही जैसा होता है, और वो है यूजर को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना और हार्डवेयर को मैनेज करना। अब तक के प्रमुख OS के नाम हैं विंडोज OS, मैक OS, लिनक्स OS, Ubuntu, एंड्रॉइड OS, iOS, MS, DOS, Symbian OS। और अब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे जरूरी प्रोग्राम होता है, जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा रहे कीज को समझना, आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करना और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स से कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा ये और भी कई तरह के कार्य करने में सक्षम है, जैसे कि नंबर एक, मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी मैनेजमेंट को ही मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के हर एक कार्य को ट्रैक करता है, यानी इसका कौन सा भाग किसके उपयोग में है और कौन सा भाग उपयोग में नहीं है, मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, इसका पता लगाता है और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध भी करवाता है। मल्टीप्रोसेसिंग के समय OS तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। जब कोई प्रोग्राम का कार्य खत्म हो जाता है, तो ये एलोकेट की गई मेमोरी को वापस कंजर्व करता है। नंबर दो, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में OS तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर उपयोग करने के लिए कब और कितने समय के लिए देना है। इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। OS प्रोसेसर और प्रोसेस की स्थिति पर नजर रखता है। इस कार्य के लिए OS के जिस प्रोग्राम का उपयोग होता है, उसे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। OS प्रोसेस को कार्य पूरा करने के लिए CPU अलॉट करता है और कार्य समाप्त होने के बाद प्रोसेसर को फ्री कर देता है। नंबर थ्री, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशंस का मैनेजमेंट करता है। इसके लिए OS सभी डिवाइसेस पर नजर रखता है। इस कार्य के लिए OS के जिस प्रोग्राम का उपयोग होता है, उसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। OS तय करता है कि कौन से प्रोसेस को डिवाइस कब और कितने समय के लिए देनी है। जब डिवाइस का काम पूरा हो जाता है, तब फिर OS उसे इनएक्टिव कर देता है। नंबर चार, फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसान नेविगेशन,
और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। OS इन फाइल्स की सूचना, स्थान, यूजर, स्टेटस आदि पर नजर रखता है। ये हर सूचना को ट्रैक करता है। इसके साथ ही फाइल का लोकेशन क्या है, फाइल कब बनाई गई, फाइल कितने साइज की है, किस यूजर ने बनाई थी, ये सारी जानकारी भी OS रिकॉर्ड करता है। नंबर 5, सिक्योरिटी। OS हमारे सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने से रोकता है, मतलब कि आपके अलावा कोई और यूजर बिना आपकी इजाजत के आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके लिए OS पासवर्ड देने की पूरी आजादी देता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो आपको सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए इजाजत देगा। इससे आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। समय समय पर टेक्नोलॉजी में बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही में कंप्यूटर ने भी समय के साथ काफी विकास किया है। जब से कंप्यूटर की स्थापना हुई है तभी से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर में बदलाव करने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उसके साथ कंपेटिबल बनाने के लिए नए नए वर्जन को विकसित किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक यूजर को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। ये OS कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक ही समय में एक ही डेटा और एप्लीकेशन को एक से अधिक यूजर को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नंबर 2, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में सिर्फ एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर OS है, जिसे एक समय में एक कार्य को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही गाने भी सुन सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं। नंबर 4, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग शब्द का इस्तेमाल एक प्रोसेसिंग तरीके को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस OS में सिस्टम में विभिन्न और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेसर द्वारा विभिन्न निर्देश का एग्जीक्यूशन एक के बाद एक किया जाता है, जो कि एक ही प्रोग्राम से प्राप्त किए होते हैं। नंबर 5, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर्स को अपना सर्विस प्रदान करती है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ये एक ऐसा प्रकार का OS है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए और दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इन प्रोसेसर्स के बीच प्रोसेसिंग के कार्य को बांट दिया जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, नोड या फिर कोई अन्य डिवाइस हो सकता है, और ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसका एक फायदा ये है कि अगर एक कंप्यूटर या नोड बंद भी कर दिया जाए तो अन्य दूसरे कंप्यूटर से काम किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना OS के ये एक खाली डिब्बे के समान है। OS यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है, और अगर आपके कंप्यूटर में OS इंस्टॉल ना हो तो आपके कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका काम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।